कोडरमा के तिलैया थाना इलाके के आशीष शर्मा और चंदन शर्मा पर 16 लोगों ने 44,95,000 रुपए कर्ज लेकर फरार होने का मामला दर्ज कराया था। मामले में पुलिस ने 2 महीने बाद अभियुक्तों को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। तिलैया थाना परिसर में प्रेस वार्ता में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 22 मई को तिलैया थाने में मामला दर्ज होने के बाद विशेष टीम का गठन किया गया था। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि दोनों अभियुक्त सावली में अपनी पहचान छुपाकर चाय दुकान चलाकर जीवन यापन कर रहे थे। अभियुक्तों ने पुलिस को बताया कि दोनों प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण देते थे। प्रशिक्षण के लिए कंप्यूटर समेत अन्य उपकरण खरीदने के लिए 16 परिचितों से कर्ज के तौर पर रुपए लिए थे। आशीष शर्मा और चंदन शर्मा दोनों कजन हैं। ये लोग जो है कौशल प्रशिक्षण के जो है देने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कार्य कर रहे थे। इनका 2 जगह कार्य सीतामढ़ी और असम में हुआ था, सिक्किम में हुआ था, जिसमें इनका जो है कुछ पैसा जो है फंसा हुआ था। और ये अपना यहाँ आकर के तिलैया में भी एक कार्यक्रम को चला रहे थे, जिसके लिए इनको पैसा की आवश्यकता थी। कौशल प्रशिक्षण देने के लिए इनको कंप्यूटर वगैरह इक्विपमेंट खरीदने की आवश्यकता थी, जिसके लिए बाजार से ऊंचे रेट पर जो है इंटरेस्ट पर जो है पैसा लिए। पैसा का भुगतान इस समय पर नहीं कर सके, जिसके कारण जो लोग पैसा दिए थे इन पर दबाव बनाए, ये डर करके यहाँ से दोनों भाई भाग गए और जाकर के राजस्थान में अपना मोबाइल वोबाइल चेंज कर करके चाय बेचने लगे और या एक मकान में रहने लगे। कितने लोगों से इन लोगों ने पैसे लिए? 15 लाख रुपया ये ठगे हैं। क्या कहकर ये लोग पैसे ले रहे थे? ये लिए कि पैसा वापस कर देंगे, मैंने रेट ज्यादा इंटरेस्ट देकर इंटरेस्ट लोगों ने लिया इनसे। सीकर राजस्थान का सीकर जिला है, वहीं से। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।